हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज हम करवाने वाले हैं, हम कर रहे थे लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, लॉज ऑफ मोशन में हमने इससे पहले दो लेक्चर आप देखे होंगे, 31 ईयर प्रॉब्लम कर रहे हैं। ठीक है, और आगे हम कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कैसे होता है सारी चीज़ें। ठीक है, चलो वीडियो पॉज करो और सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है ना, देखो तुमसे होता है। कहता है एक पर्सन है 60 केजी इनसाइड ए लिफ्ट। ठीक है, एक पर्सन है वो लिफ्ट के अंदर है यार। ठीक है, दिस इज द लिफ्ट और एक पर्सन जो है वो लिफ्ट के अंदर है, ये लिफ्ट के अंदर है। ठीक है, और अगर ये लिफ्ट के अंदर है तो इसका जो मास है 60 केजी है। द पर्सन मास इज इक्वल टू 60 केजी। ठीक है, क्लियर है। एंड लिफ्ट, खुद लिफ्ट का भी मास है, जो लिफ्ट है उसके पास भी मास है, कितना है 940 केजी लिफ्ट का मास है, ऐसा क्वेश्चन में बताया जा रहा है। ठीक है, देखो अब हुआ क्या कि लिफ्ट यार एक्सेलरेट होगी, लिफ्ट मूविंग अपवर्ड विथ एक्सेलरेशन, लिफ्ट ऊपर जाने लगी। और इस लिफ्ट का एक्सेलरेशन कितना है, इस लिफ्ट का एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड है। द लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड विथ 1 मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेशन से। अगर मैं जी की वैल्यू 10 लूं तो टेंशन इन द सपोर्टिंग केबल। ठीक है, अब देखो लिफ्ट तो अपने आप ऊपर जाएगी नहीं यार, इस ये लिफ्ट एक डिब्बा है और इस बॉक्स को ऊपर ले जाने के लिए कोई ना कोई सपोर्टिंग केबल लगा होगा, ऐसे पुली लगी होगी। ठीक है, ऐसे पुली लगी होगी जिसमें स्ट्रिंग, ये केबल ऊपर जाएगा। ठीक है, जिससे लिफ्ट ऊपर जाएगी और ये स्ट्रिंग अगर ऐसे खुलेगी तो ये लिफ्ट नीचे आएगा। ठीक है, तो ये जो केबल है, ये केबल, इसमें टेंशन हमें कैलकुलेट करना है। अब सोचो ये जो बॉक्स है पूरा ऊपर जा रहा है यार। ठीक है, क्लियर है। तो अगर ऊपर जा रहा तो अगर मैं इसका इक्वेशन लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, इस ये आदमी और ये टोटल मास कितना हो गया, टोटल मास हो गया 60 और 940 1000 केजी पूरा का पूरा मास हो गया। अभी 1000 केजी मास पूरा नीचे लग रहा है mg, 1000 केजी जी नीचे लग रहा और टेंशन ऊपर लग रहा और ये एक्सेलरेट ऊपर रहा। इस कुल मिला के इस पर दो फोर्स लगा, इन दोनों पे ग्रेविटी नीचे लग रही और टेंशन ऊपर लग रहा और ए से ऊपर जाता एक्सेलरेट हो रहा। तो मैं इसका इक्वेशन लिखूं तो T-mg दैट इज इक्वल टू मास ऑफ द मैन प्लस लिफ्ट mg, दिस इज द इक्वेशन। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे तो हमें टेंशन मिल जाएगा। तो टेंशन की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी mg plus a। जी की वैल्यू 10 लेना है, मास ऑलरेडी आपका दोनों का 1000 केजी हो गया, जी की वैल्यू 10 ले लो, एक्सेलरेशन 1 ले लो। ठीक है, तो ये आ जाएगा 11। ठीक है, मतलब 100। ठीक है, 10000 न्यूटन। ठीक है ना, 11000 न्यूटन इतना जो है वो फोर्स लग रहा होगा, दैट इज सी ऑप्शन सही है। ठीक है, क्लियर है, आई होप कि आज समझ में आ गया। आसान क्वेश्चन था, ठीक है, कुछ नहीं था, एक मास है वो ऊपर जा रहा है, उस पर दो फोर्स लग रहे हैं mg, टेंशन इक्वेशन लिख दिए। चलो ये कहता है एक बॉडी मास से हम हिट नॉर्मली ए रिजिड वॉल। ठीक है, देखो अब मैं आपको पहले ही बताया हूं कि इस टाइप के बाउंसिंग वाले क्वेश्चन में कई बार फिजिक्स में यूज होगा। आप फोटॉन्स पढ़ोगे, ठीक है, लाइट पढ़ोगे, रिफ्लेक्शन पढ़ोगे, ठीक है, वहाँ वेलोसिटी चेंज होती है, इस टाइप के मैकेनिक्स में। तो इसको आप डायरेक्ट याद रखो कि अगर कोई बॉल इसको हिट करता है, कितनी वेलोसिटी से रिजिड वॉल को हिट किया, बॉल का मास एम है और ये वी वेलोसिटी से हिट किया, और जो कोलिजन है वो इलास्टिकली है और बाउंस बैक विथ सेम वेलोसिटी नहीं होगा, सेम स्पीड से बाउंस बैक किया, ये स्पीड है। ठीक है, ये स्पीड होनी चाहिए, वेलोसिटी विल बी चेंज, ये स्पीड होगा। ठीक है, सेम स्पीड से गया। ठीक है, जितने स्पीड से हिट किया उतने ही स्पीड से चला गया। ठीक है, तो क्या वेलोसिटी चेंज हुई है, ऑब्वियसली वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, पहले वेलोसिटी नीचे थी अब वेलोसिटी ऊपर हो गया। तो जब कभी भी वेलोसिटी चेंज होगी तो मोमेंटम चेंज होगा, मोमेंटम चेंज आएगा तो इम्पल्स आएगा। ठीक है, तो जब अगर मोमेंटम चेंज होगा तो इम्पल्स क्या होता है यार, इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम कैसे लिखेंगे, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। वैसे जिसको याद है वो डायरेक्ट इसको टिक कर देगा 2 mb इसका सही है, जिसको नहीं याद है वो ऐसे करेगा। फाइनल मोमेंटम नीचे है बोलो माइनस mb जे के, और माइनस साइन यहाँ से फार्मूले से घटाने की वजह से, और ऊपर मोमेंटम है माइनस mb जे के, तो माइनस 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 2 mb जे के, दैट इज द इम्पल्स
दैट इज द इम्पल्स वेक्टर या चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, दिस एक वेक्टर फॉर्म में है। तो चेंज इन मोमेंटम या इम्पल्स की जो डायरेक्शन है वो नीचे होगी और उसका मैग्नीट्यूड 2mb होगा। तो जब स्केलर में लिखोगे तो चेंज इन मोमेंटम या इम्पल्स दैट इज 2mb, ठीक है ना, ये मैग्नीट्यूड है, ये डायरेक्शन के साथ है, ठीक है, दैट इज सी ऑप्शन इसका सही है ना। चलो नेक्स्ट करो, देखो ये एक बहुत फेमस प्रॉब्लम है यहाँ पर। देखो जैसे हम कभी कभी जब ड्राइविंग करते हैं तो हमारे जो फ्रंट ग्लास होता है गाड़ी की या कार का, उस पर कुछ कीड़े आके चिपक जाते हैं, ठीक है। उसी तरह का एक सवाल है कि अगर एक एक कार्ट है, इस कार्ट को अगर मैं, ठीक है, ए एक्सलेशन देता हूँ, इस कार्ट को मैं ए एक्सलेशन, अगर एक कार्ट रेस्ट में है, ठीक है, समझना, अगर एक कार्ट रेस्ट में है तो यहाँ इस साइड में एक ब्लॉक रखोगे तो ये ब्लॉक नीचे आ जाएगा यार, ब्लॉक इसके साथ चिपकाओगे नहीं ना, चिपकाना नहीं है यार, ये ब्लॉक रखोगे तो ये नीचे स्लाइड हो जाएगा। लेकिन अगर इस कार्ट को मैं एक्सलेशन दे दूं ए, तो एक स्पेशल एक्सलेशन है, एक खास एक्सलेशन है, जिस एक्सलेशन पे इस कार्ट के ये जो ब्लॉक है वो यहीं पर रुक जाएगा यार, रेस्ट में आ जाएगा ना, ठीक है। जैसे आप ड्राइविंग करते हैं तो इंसेक्ट वगैरह फ्रंट वाली ग्लास पे आके ऐसे चिपक जाते हैं, तो नीचे भी स्लाइड कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन एक्सलेशन, ये डिसाइड करेगा कि ब्लॉक नीचे जाएगा या वहीं पे रहेगा, ठीक है। अगर ए जीरो होगा तो नीचे आ जाएगा ये। अब हमें निकालना है वो स्पेशल एक्सलेशन, वो स्पेशल एक्सलेशन जिसके लिए ब्लॉक रेस्ट में हो यहाँ पे। तो सबसे पहले ब्लॉक रेस्ट में कैसे रहेगा, फोर्सेस कैसे कौन से लग रहे हैं, देखो यहाँ पे फ्रिक्शन, यहाँ पे mg तो लगेगी। अब mg को बैलेंस करने के लिए ऊपर तो एक फोर्स आएगा तभी तो रेस्ट में रहेगी। तो इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन आएगा, कौन लगाया, कार्ट ने लगाया ऊपर, तो ये हो गया वर्टिकल का इक्विलिब्रियम। हॉरिजॉन्टल में ये यहाँ पे इस पे सूडो आएगा। भाई इस फ्रेम से देखोगे, कार्ट के फ्रेम से देखोगे तो सूडो कैसे लगाते हैं, फ्रेम के अपोजिट और उसका मास, ठीक है, ब्लॉक का मास ये है, फ्रेम के अपोजिट एक्सलेशन ये है, एक्सलेशन इधर था फ्रेम का, इस ब्लॉक पे सूडो। अब सूडो जैसे ही सूडो, इसी सूडो की वजह से ब्लॉक रुकेगा यार, ठीक है। अगर एक्सलेशन जीरो होगा, ठीक है, एक्सलेशन जीरो होगा तो वर्टिकल तो इक्विलिब्रियम है, ठीक है, वर्टिकल अगर एक्सलेशन जीरो होगा तो ये फ्रिक्शन आएगा ही नहीं यार, ठीक है। जब तक इसको दबाएगा नहीं, पुश नहीं करेगा तो फ्रिक्शन नहीं आएगा इसको, ठीक है, ये नीचे स्लाइड कर जाएगा जैसे रखूंगा। अब यहाँ पे नॉर्मल आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो सूडो है वो इस सरफेस को ऐसे दबा रहा होगा, पुश कर रहा होगा, ठीक है। तो अब इसका इक्विलिब्रियम हो जाएगा। अगर ऐसा कंडीशन हो गया कि एमए ने सूडो ने नॉर्मल को बैलेंस कर लिया, एमजी ने फ्रिक्शन को बैलेंस कर लिया, तो ये ब्लॉक रुक जाएगा उस सिचुएशन पे, और हमें वही एक्सलेशन निकालना है जिसके लिए ब्लॉक रुक जाए, ठीक है। इसमें से हो गया, क्वेश्चन समझ में आ गया। चलो तो इसका मतलब ये हुआ कि अब मैं इसको कैलकुलेट अगर करता हूँ, देखो कैलकुलेट करता हूँ तो फॉर इक्विलिब्रियम एक्स एक्सिस में इक्विलिब्रियम तभी होगा जब फ्रिक्शन एम जी के बराबर होगा, और फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होती है, म्यू स्टैटिक, म्यू एन इज इक्वल टू एम जी, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्मल की जो वैल्यू आ जाएगी वो एम जी अपान म्यू के इक्वल आ जाएगी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन हॉरिजॉन्टल में लिखो, अगर ये रेस्ट में है तो नॉर्मल ने सूडो को बैलेंस किया है, अब नॉर्मल की वैल्यू यहाँ से उठा कर डाल दो तो mg इज इक्वल टू, अब देखो हाँ एक कंडीशन लगा दो, ये ब्लॉक यहाँ रेस्ट में तभी रहेगा, ये ब्लॉक यहाँ रेस्ट में तभी रहेगा, ठीक है, जब एक इम्पोर्टेंट बात, ये ब्लॉक यहाँ रेस्ट में तभी रहेगा जब यहाँ पे जो फ्रिक्शन है मस्ट बी ग्रेटर देन या एटलीस्ट इक्वल टू mg, ठीक है। यहाँ पे अगर फ्रिक्शन मान लो कम हो गया तो नीचे आ गया, तो फ्रिक्शन जो है मस्ट बी एटलीस्ट ग्रेटर देन जो भी mg है, या एटलीस्ट इक्वल टू, ठीक है, mg, तो तब तो जाके ये ब्लॉक रेस्ट में रहेगा, ठीक है। ये इसका मतलब ये हुआ कि जो नॉर्मल है, अब नॉर्मल जो है, नॉर्मल की वैल्यू सूडो के इक्वल है, नॉर्मल की वैल्यू सूडो के इक्वल है। अब यहाँ से डाल दो नॉर्मल इज इक्वल टू एम ए मस्ट बी ग्रेटर देन एम जी अपान म्यू, ठीक है, तो एम ने एम को खत्म किया तो एक्सलेशन मस्ट बी ग्रेटर देन जी बाई म्यू, ठीक है। जो अगर इसको यहाँ पे रेस्ट में रहना है तो एक्सलेशन की इस कार्ट का जो एक्सलेशन है,
एटलीस्ट इसके बराबर या इससे अधिक ही होना चाहिए। अगर ये मिनिमम पूछता, एक्सलेशन मिनिमम जो है, एक्सलेशन मिनिमम मस्ट बी इक्वल टू जी बाई म्यू, मिनिमम एक्सलेशन इतना तो होना चाहिए, और मैक्सिमम की तो कोई लिमिट नहीं है, तो मिनिमम एक्सलेशन इतना तो होना ही चाहिए यार, अगर इसको रेस्ट में रखना। अगर एक्सलेशन इससे कम हुआ, ठीक है, तो ये ब्लॉक नीचे आएगा, एक्सलेशन इज लेस देन ए मिनिमम, तो ब्लॉक स्लाइड कर जाएगा डाउनवर्ड। क्लियर है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो देखो कौन सा सोल्यूशन सही है, एक्सलेशन मस्ट बी ग्रेटर देन जी बाई म्यू, मतलब ये सी ऑप्शन हम लोग का सही है, ठीक है ना, अल्फा एक्सलेशन मस्ट बी ग्रेटर देन जी बाई म्यू। चलो ये सवाल सॉल्व करो, देखो ये भी एक लिफ्ट का, ये लिफ्ट अप मास 2000 केजी, एक लिफ्ट है, उसके पास खुद का अपना मास है यार, ठीक है, द मास ऑफ द लिफ्ट, मास ऑफ द लिफ्ट इज 2000 केजी, ये लिफ्ट का मास है जो 2000 केजी। व्हेन द टेंशन इन द सपोर्टिंग केबल, जो केबल है या ये जो केबल है उसमें टेंशन, हम सबको पता है कि ये इसको केबल एक खींचता है लिफ्ट को, तभी तो लिफ्ट ऊपर जाएगी यार, तो ये 28000 न्यूटन है, ठीक है, तो 28000 न्यूटन है। देन द एक्सलेशन, अब इसका एक्सलेशन कितना होगा, ठीक है, अब देखो एक्सलेशन हमें निकालना है, बहुत ही आसान है, ठीक है, अगर एक्सलेशन निकालना है, लिफ्ट किधर जा रही है, लिफ्ट मास, व्हेन द मास ऑफ ए लिफ्ट, व्हेन द टेंशन इन द सपोर्टिंग, देन एक्सलेशन, अब ये एक्सलेशन कितना होगा, किधर होगा, अब नीचे डाउनवर्ड देखो, नीचे डाउनवर्ड देखो, नीचे फोर्स कितना लगा एम जी, मास इसका कितना है बोलो, मास इसका क्या है, 2000 है, तो 2000 है, इसमें एक जीरो से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा 20, ठीक है, ये आ जाएगा 20000 केजी, और ये 28000, ठीक है, तो ये जो है 20000 नीचे लगा न्यूटन और 28000 ऊपर लगा, तो ये लिफ्ट किधर जाएगी यार, ऑब्वियसली ऊपर जाएगी, एक्सलेशन से ऊपर जाएगी, ठीक है, तो अगर ये एक्सलेशन से ऊपर जाएगी तो हमें वही तो एक्सलेशन निकालना है, ठीक है, तो अपवर्ड जाएगी, मतलब ये दोनों कभी सही नहीं हो सकते यार, दिस कैन नेवर बी करेक्ट, ठीक है, तो एक्सलेशन इज इक्वल टू क्या होता है, नेट फोर्स अपॉन मास, तो नेट फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में कितना लगा, 28000 और माइनस 20000 और डिवाइडेड बाई मास ऑफ द लिफ्ट इज इक्वल टू 2000, इसका मतलब ये हुआ कि 8000 एंड डिवाइडेड बाई 2000, मतलब ये आ जाएगा 4 m/s² अपवर्ड ऊपर की डायरेक्शन में, ठीक है, तो अपवर्ड आएगा और ए ऑप्शन सही है, 4 m/s अपवर्ड की डायरेक्शन में आएगा, ठीक ना, क्लियर है। चलो आपको समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट ये देखो, वीडियो पॉज करो और खुद सॉल्व करने की कोशिश करो और देखो होता है, ठीक है, आसान है ये प्रॉब्लम, ये बॉडी अंडर द फोर्स, एक बॉडी है उस पर यार फोर्स लग रहा है, ठीक है, और फोर्स वेक्टर में दिया हुआ है, ऑलरेडी दिखाया हुआ है, और एक्सलेशन भी दिया हुआ है, बॉडी का मास निकालना है, तो बहुत आसान है ये क्वेश्चन, ठीक है, तो ये मास क्या होता है, मास इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एक्सलेशन, तो फोर्स की वैल्यू कितनी है, 6i कैप और -8j कैप और +10k कैप, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाई एक्सलेशन, ठीक है, एक्सलेशन इज इक्वल टू 1 m/s², ठीक है, तो ये आ जाएगा मास। अब हमें मास केजी में चाहिए, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड सबको निकालने आता होगा, 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर + 10 का स्क्वायर अंडर रूट, इस तरह से वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, डिवाइडेड बाई 1 6 36 64, ठीक है, और ये 200, तो 200 अंडर रूट क्या होता है, 200 अंडर रूट होता है 10√2 kg, तो 10√2 kg इसका फाइनल सोल्यूशन है, दैट इज सी ऑप्शन सही है ना, बहुत आसान था ये। चलो ये कहता है ए रोलर कोस्टर इज डिजाइन, एक रोलर कोस्टर है इस तरह से डिजाइन होता है, सच दैट द राइडर एक्सपीरियंस वेटलेस एज गो राउंड ऑन टॉप ऑफ ए हिल ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, एक हिल है जो सर्कल के फॉर्म में है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है, ठीक है, एक हिल है और जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब ये यहाँ पे ये टॉप ऑफ द हिल ये है, ठीक है, अब यहाँ से कोई
रोलर जा रहा है इस टाइप से, इस तरह से जो इसमें राइडर है, तो वो यहाँ टॉप ऑफ द व्हील जिसकी रेडियस सेंटर ए है और रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 मीटर दिया हुआ है, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 मीटर दिया हुआ है, सेंटर वो है। अब कहता है टॉप ऑफ व्हील एक्सपीरियंस वेटलेस, जब ये यहाँ पर जा रहा है टॉप ऑफ व्हील यहाँ पे, ठीक है, रोलर, तो वेटलेस फील कर रहा है टॉप ऑफ व्हील पे, वेटलेस फील कर रहा है। वेटलेस कब होता है फिजिक्स में? वेटलेस होता है, ये पाथ है, इस टाइप का पाथ है, ठीक है, तो वेटलेस कब होता है? वेटलेस कब होता है? जब नॉर्मल जीरो होती है, नॉर्मल जीरो होगा, तो नॉर्मल जीरो होगा, तो जब रोलर यहाँ पर है तो इसे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं ये देखें। हम सबको पता है कि एम जी तो लगेगी यार, एम जी वो लगेगी ही, ठीक है, ये एक ऐसा फोर्स है, ये मैं इसको बोलता हूँ ये गवर्नमेंट का टैक्स है, ठीक है, एम जी जो है वो गवर्नमेंट का टैक्स है। कोई भी अगर बॉडी है जब तक जीरो, ये तो हमेशा लगेगा भाई, हमेशा लगेगा और सीधा लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। अब चाहे कमाओ चाहे नहीं कमाओ, इनकम टैक्स दो या नहीं दो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में गवर्नमेंट टैक्स लेती ही लेती है आप लोगों से, ठीक है, सभी से, जैसे ही पैदा हो गया, इवन जो नहीं पैदा हुआ उस पर भी कर्ज होता है। तो जो ये होता है, ये एम जी तो लगेगी लगेगी नीचे, वर्टिकली डाउनवर्ड, क्लियर है। अगर एम जी लग गई नीचे तो और कौन सा फोर्स लगेगा? अब मैं बताया था आपको कि कभी भी सर्कल पे कर पे चलने के लिए सेंटीपीटल फोर्स तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है, मैं बताया था आपको, एग्जांपल दिया था, जिस तरह से बिना दुल्हे के शादी पॉसिबल नहीं है, उसी तरह से बिना सेंटीपीटल फोर्स के, ठीक है, बिना सेंटीपीटल फोर्स के कर पे या सर्कल पे चलना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर मान लो मतलब दूल्हा शादी से गायब हो गया तो शादी क्या है, शादी खत्म हो गई यार वही, उसी तरह से सेंटीपीटल फोर्स गायब हो गया तो सर्कुलर मोशन खत्म हो गया, कर पे खत्म हो गया, ठीक है, है ना। चलो तो ये यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ, ठीक है, सेंटीपीटल फोर्स नीचे लगेगा एफ सी, ठीक है, जो कि एक अब ये सेंटी और नॉर्मल भी नीचे लगेगा, ठीक है, तो सेंटीपीटल तो बाद में आता है ना भाई, सेंटीपीटल बाद में आता है, रियल फोर्सेस नॉर्मल और एम जी है। तो अगर मैं इस पर इक्वेशन लिखूँ तो नॉर्मल प्लस एम जी मिल के देंगे सेंटीपीटल फोर्स, नॉर्मल प्लस एम जी मिल के देंगे सेंटीपीटल फोर्स। हम आपको बताए थे कि वेटलेसनेस फील होता है तो नॉर्मल जीरो हो जाता है, तो नॉर्मल अगर जीरो हो गया तो एम जी सेंटीपीटल फोर्स के इक्वल होगी और सेंटीपीटल फोर्स एम बी स्क्वायर ओवर आर के इक्वल हो गया। पूछा क्या है इसमें, टॉप ऑफ द व्हील, हाँ, रोलर वेलोसिटी, द स्पीड ऑफ द कार, तो यहाँ से वेलोसिटी आप निकाल लो, तो एम ने एम को ख़त्म कर दिया, तो यहाँ से जो स्पीड आ जाएगी वो आर जी अंडर रूट आ जाएगी, आर की वैल्यू 20 है और जी की वैल्यू 9.8 रखोगे, ठीक है, तो इसको पूरा कैलकुलेट करोगे तो 14.1 मीटर पर सेकेंड आ जाता है, ठीक है, 14.1। अब आपको यहाँ मिनिमम, नॉर्मल जीरो है तो मिनिमम इतनी स्पीड तो होनी ही चाहिए वर्टिकल सर्कुलर मोशन होने के लिए इस टाइप का, ठीक है, तो स्पीड मस्ट बी, यहाँ पे वर्टिकल सर्कुलर मोशन का एक क्वेश्चन है, यहाँ पे ऐसे घूमने के लिए इतनी स्पीड तो होनी चाहिए या इससे अधिक हो, ठीक है, मतलब सी ऑप्शन सही है, बिटवीन 14.1। चलो नेक्स्ट, ये देखो, ये एक्चुअली वेक्टर का क्वेश्चन है, तो लॉज ऑफ मोशन में आया है, पर एक्चुअली किसका क्वेश्चन है ये, वेक्टर का। एक बॉडी है, ठीक है, उस पर तीन फोर्स लग रहे हैं, 2 न्यूटन का, 1 न्यूटन का, 4 न्यूटन का, और इनको वेक्टर से दिखाया गया है स्पेस में। अब हमको ये बताना है कि टू हैव द रिजल्टेंट फोर्स ओनली इन वाई एक्सिस, सोचो ये भी लग रहा है, ये भी लग रहा है, तीनों लग रहे हैं, लेकिन जो रिजल्टेंट होता है वो सिंगल फोर्स होता है। रिजल्टेंट तो सभी हजारों वेक्टर लगे, नेट फोर्स तो एक ही वेक्टर होगा ना यार, तो इन सभी का जो रिजल्टेंट है वो y एक्सिस में हो, मतलब x एक्सिस में रिजल्टेंट जीरो है, ऐसा कह रहा है कि टू हैव द रिजल्टेंट अलोंग y मैग्नीट्यूड ऑफ द मिनिमम एडिशनल फोर्स नीडेड, मतलब x एक्सिस में मैं कितना फोर्स और एड कर दूं जिससे x एक्सिस में रिजल्टेंट जीरो हो जाए, और जो भी रिजल्टेंट है वो y एक्सिस में ही आए, नेट फोर्स y एक्सिस में आएगा तो x एक्सिस में नेट फोर्स जीरो होगा, उसके लिए मुझे अलग से फोर्स ऐड करना पड़ेगा और वो फोर्स मैं कितना ऐड करूं, आगे बात समझ में। चलो तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं मान लो, ठीक है, यहीं पे करूं, देखो
यहाँ पे आपको दिख रहा है, चलो यहां ये 1 न्यूटन है, ठीक है। अगर ये 1 न्यूटन है तो 1 न्यूटन, ये 60, ये 30 है, तो ये भी कितना हो गया, ये 60 हो गया, तो ये भी 60 हो गया, ठीक है। ये 30 है तो ये 60 है, तो ये भी 60 हो गया, ठीक है। तो 2 का एक कंपोनेंट इधर जाएगा, 2 cos 60, ठीक है, और एक कंपोनेंट नीचे आएगा 2 sin 60। ये 2 का रिजोल्यूशन हो गया। 1 का रिजोल्यूशन, एक कंपोनेंट इधर आएगा, 1 cos 60। दिख रहा आपको, नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा आगे कर दूं इसको, हाँ चलो। ये 1, ये जो 2 न्यूटन था, अगर ये 30 है तो ये 60 है, तो ये 60 है, तो ये 2 cos 60 इसका कंपोनेंट हो गया, ठीक है। और ये 1 का कंपोनेंट इधर आ जाएगा, 1 sin 60, जो कि हमें ज़रूरत तो नहीं है, पर बना ही दो। 4 न्यूटन जो इधर जा रहा है, उसके 2 कंपोनेंट आ जाएंगे, एक एक्स में एक वाई में, तो 4 cos 30 वाई में चला गया, और इधर आ जाएगा 4 sin 30। अब जो एक्स एक्सिस में 3 फोर्स लग रहा है, एक 2 न्यूटन का कंपोनेंट 2 cos 60, एक 1 न्यूटन का कंपोनेंट 1 cos 60, एक 4 न्यूटन का कंपोनेंट 4 sin 30, ठीक है। तो एक्स एक्सिस में 3 फोर्स लग रहा है। अब कंडीशन ये कह रहा है कि एक्स एक्सिस में रिजल्टेंट 0 हो तो मैं कितना फोर्स ऐड कर दूं। चलो मान लिया मैंने इधर एक नया फोर्स एक्स न्यूटन ऐड कर दिया, जिससे रिजल्टेंट 0 हो गया एक्स एक्सिस में। लेट एक्स न्यूटन हमने ऐड कर दिया, लेट एक्स न्यूटन एडेड, ठीक है। और जो रिजल्टेंट है, नेट समेशन ऑफ फोर्सेज अलोंग द एक्स एक्सिस, दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। अब एक्स एक्सिस में नेट फोर्स 0 तभी होगा जब इधर के फोर्सेस पॉजिटिव एक्स के इधर बैलेंस करेंगे। तो इधर कितने लग रहे हैं, एक्स न्यूटन प्लस 1 cos 60 प्लस 2 cos 60 मस्ट बी इक्वल टू 2 sin 30, मस्ट बी इक्वल टू 2 sin 30। क्लियर है ना, इधर के फोर्सेज इधर को बैलेंस करेंगे। अब इसी को सॉल्व कर लोगे तो x मिल जाएगा, तो x की वैल्यू x और वो cos 60 sin 30 1/2 प्लस 2 sin 30 1/2 cos 60 sin 30 2 sin 30 1/2। तो ये 1/2 जो है, ये 2 ने 2 को, ये 2 ने 2 को, ठीक है। तो ये आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2x प्लस 1 प्लस 1 प्लस इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 2x है, दैट मस्ट बी इक्वल टू -1। x की वैल्यू माइनस मतलब 0.5 न्यूटन, माइनस मतलब ये है कि आप इसको इधर ऐड करो तब जाके बैलेंस होगा। तो 1.5 जो है मैग्नीट्यूड में आपको इतना तो ऐड करना ही पड़ेगा, 1.5 न्यूटन, और आपको इधर की डायरेक्शन में ऐड करना पड़ेगा, तब जाके फोर्सेस बैलेंस होंगे, है ना। चलो चलो ये देखो, सैंड, ये एक्चुअली जैसे रॉकेट प्रोपल्शन होता है उस टाइप का क्वेश्चन है। सैंड इज ड्रॉफ ऑन ए कन्वेयर बेल्ट एट ए रेट ऑफ mkg per second, ठीक है। ये बेल्ट है, समझ लो ये बेल्ट है, ठीक है, द बेल्ट इस टाइप से कन्वेयर बेल्ट, ठीक है। ये ऐसे मूव कर रहा है और ऊपर से यहाँ से, ठीक है, यहाँ से हम लोग इस पे सैंड गिरा रहे हैं, ठीक है। इस बेल्ट पे सैंड गिरा रहे हैं और ये बेल्ट मूव कर रहा है, ठीक है, क्लियर है। तो ये जो द सैंड इज बिगनिंग मूव ऑन कन्वेयर बेल्ट 50 kg per second, इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मास, dm/dt पर सेकंड है ना, तो mkg per second सैंड इस बेल्ट पे गिराया जा रहा है। अब कहता है कि necessary force टू कीप द बेल्ट मूविंग विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। अगर ये सैंड गिरा रहे हैं उसके बावजूद भी ये कॉन्स्टेंट वेलोसिटी v से चल रहा है, ठीक है। तो कांस्टेंट वेलोसिटी v से चल रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें कितना फोर्स चाहिए। तो आप जो अगर फोर्स लिखोगे, तो यहाँ पे जो फोर्स लिखोगे वो क्या होता है, m में, फोर्स इज इक्वल टू m में। लेकिन ये नहीं लगेगा यार, ये तब लगता था जब मास कांस्टेंट होता था, ठीक है। तो ये नहीं लगेगा, मास कांस्टेंट नहीं है ना भाई। यहाँ पे बेल्ट का मास dm/dt per second इंक्रीज हो रहा है और सैंड का मास dm/dt per second डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि या तो आपको डायरेक्ट फार्मूला याद हो,
या नहीं तो एक बार मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। एक्चुअल जो फार्मूला फोर्स का है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डी एफ अपॉन डी टी न्यूटन सेकेंड लॉ, और dy dt दैट इज इक्वल टू एम बी, ठीक है। और एम बी अब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो दो वेरिएबल हैं, मास भी वेरिएबल है, वेलोसिटी भी वेरिएबल है, तो एम डी वी अपॉन डी टी, ठीक है, और प्लस वी डी एम अपॉन डी टी। ये दो वेरिएबल का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं? प्रोडक्ट रूल से। ये अब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ये जो फ्रैक्शन है वो जीरो चला जाएगा, तो यहाँ पर जो फोर्स आ जाएगा वो वी डी एम अपॉन डी टी। अगर आपको पहले से याद है तो आप डायरेक्ट लगा सकते हो, ठीक है, आपका टाइम बच जाएगा ना, अच्छी बात है। तो यहाँ पे जो फोर्स आएगा वो आ जाएगा वी डी एम अपॉन डी टी। हमें क्या चाहिए? फोर्स ही तो चाहिए, तो डी एम अपॉन डी टी एम है और वेलोसिटी वी है, दैट इज इतना न्यूटन फोर्स लगेगा एम बी, ठीक है। ये सी ऑप्शन सही है, क्लियर है ना, आपको समझ में आ गया होगा, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट चलो ये देखो, ये एक क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये कहता है एक ब्लॉक है, अब रेस्ट है ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस इनिशियल वेलोसिटी बी मोमेंटली ए हॉरिजॉन्टल पुश सेट। एक ब्लॉक है, हम हल्का सा इसको पुश किए, समझो ब्लॉक रखा हुआ है, पुश करके छोड़ दिए इनिशियल वेलोसिटी दे दिए भी और पुश करके छोड़ दिए, तो क्या होगा? रफ सरफेस है तो क्या है? वो हमेशा चलता चला जाएगा क्या? नहीं यार, वो जाके कहीं जाके रुक जाएगा, ठीक है। एंड द ब्लॉक विल कम टू रेस्ट आफ्टर, कितने टाइम बाद रेस्ट में आएगा, ठीक है। जैसे आपके घर में फर्श है, फर्श पे ले जाके एक ब्लॉक फेंक दिए, ये फर्श है और यहाँ पर मैंने एक ब्लॉक फेंक दिया, जब मैं इसको फेंकूंगा तो उसके पास इनिशियल वेलोसिटी वी इधर की डायरेक्शन में है। अब मैं इसको छोड़ दिया यार, फेंक देने के बाद मैंने इसको छोड़ दिया, लेकिन यहाँ पर फ्रिक्शन है, तो जैसे ही मैं इसको जैसे ही आगे जाएगा हर मोमेंट पे इस पे एक ही फोर्स लग रहा है हॉरिजेंटल में, जो कि फ्रिक्शन लग रहा, फ्रिक्शन इसको रोकेगा, रिटार्ड करेगा, फाइनली फ्रिक्शन यहाँ आके सक्सेस हो गया मान लो, और इसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गया और फ्रिक्शन भी लगना बंद हो गया, इनिशियल वेलोसिटी भी दिए थे, आया। तो इतना डिस्प्लेसमेंट होने के बाद, ठीक है, ब्लॉक जाके रुक गया है, उसको टाइम टी लगा होगा, उस पर फ्रिक्शन इधर की डायरेक्शन में लग रहा जो इसको रिटार्ड कर रहा होगा, तो यही पूछ रहा है कि कितने टाइम बाद ब्लॉक रेस्ट में आएगा, म्यू और वी के टर्म में निकालना है, क्लियर है। चलो तो इसको अगर मैं करूं तो सबसे पहले तो फोर्स लग रहा है उसको लिखो, फोर्स लग रहा है, फोर्स इज इक्वल टू एम ए होता है, और इस पर एक ही फोर्स लग रहा है फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वैल्यू हर मोमेंट पे म्यू है और म्यू एम जी के इक्वल है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि एम ए, इसका मतलब ये हुआ एम ने एम को एक्सलेशन म्यू जी के इक्वल है, ये रिटार्ड कर रहा है, ये जो एक्सलेशन है वो इधर के पीछे की डायरेक्शन में हर मोमेंट पे इसको रोक रहा है और फाइनली सक्सेस हो गया और ये एक्सलेशन में म्यू जी लग रहा है। इसको आप डायरेक्ट याद रखो कि अगर कोई ब्लॉक हॉरिजेंटल सरफेस में मूव करता है, ठीक है, तो उस पे अगर हॉरिजेंटल में एक ही फोर्स लगता है तो उस पे एक्सलेशन म्यू जी होता है, ठीक है। चलो तो इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हमें टाइम निकालना ना, तो इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम कितना लगेगा? अब ये कांस्टेंट एक्सलेशन है, ये क्या होता है? कांस्टेंट एक्सलेशन है, म्यू कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, तो एक्सलेशन कांस्टेंट है यार। तो अगर ये कांस्टेंट एक्सलेशन है तो मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकता हूँ, तो कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊँ जिसे टाइम निकल जाए? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन दिखने से लग रहा बी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा दो, फाइनल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल वी था और एक्सलेशन प्लस ए टी, तो टाइम की वैल्यू कितनी आ जाएगी? टाइम की वैल्यू आ जाएगी, एक्चुअली रिटार्ड हो रहा है तो रिटार्ड हो रहा है तो यहाँ माइनस आ जाएगा और ये आके प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा वी बाई ए, ये वो टाइम है टी वी बाई ए, ठीक है ना, समझ रहे हो ना, रिटार्ड हो रहा तो यहाँ माइनस साइन रख दूंगा, समझ रहे हो ना यार, यहाँ माइनस साइन रख दूंगा और ये आके वी बाई ए, तो टाइम टी की वैल्यू वी बाई ए इज इक्वल टू म्यू जी, ए की वैल्यू इधर निकाल लिए हैं, मतलब वी बाई म्यू जी दैट इज डी ऑप्शन सही है, ठीक है, आ गया समझ में। नेक्स्ट चलो, ये कहता है 0.5 केजी बॉल है, ठीक है, एक बॉल है जो खुद उसका जो मास 0.5 केजी है और वो वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है एंड एट एंगल 30 डिग्री विथ वॉल, ध्यान रखना वॉल से एंगल 30 डिग्री है, ठीक है। अगर एक ये मेरा बोर्ड जो है वो वॉल है, तो एक बॉल ऐसे आया
तो वॉल से 30 डिग्री है ये, अगर बॉल ऐसे आया वॉल से कोलाइड किया तो ये एंगल 30 डिग्री है वॉल से, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन किए हो और रिफ्लेक्ट करता है सेम स्पीड सेम एंगल से, मतलब कोलिजन इलास्टिकली है, कोई भी एनर्जी कहीं भी बर्बाद नहीं हुई है, ठीक है। इफ द बॉल इज कॉन्टैक्ट विद, देखो अब बॉल जो है वो वॉल के कॉन्टैक्ट में भी था 0.25 सेकेंड तक, द एवरेज फोर्स एग्जर्टेड बाई द वॉल, समझना इस डायग्राम से मैं इसको समझाता हूँ। ये वॉल है, ठीक है, अगर ये वर्टिकल वाली लाइन है, एक बॉल यहाँ से आता है और इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे कोलिजन करता है, ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे कोलिजन, वॉल से एंगल ध्यान रखना 30 डिग्री है, अगर ये वी स्पीड से कोलिजन किया है तो उतना ही स्पीड से वापस जा रहा है वी से, क्योंकि ये भी एंगल 30 डिग्री है ऐसा बताया जा रहा है। और कुछ टाइम यहाँ बिताया है बॉल ग्राउंड के साथ, कुछ वक्त बिताया है, कुछ टाइम बिताया है, वो 2.5 सेकेंड है, ठीक है। आ रहा समझ में, इसको विजुलाइज कर पा रहे हो? नहीं, देखो जैसे मान लो बॉल गिरा, मतलब मान लो छत है, छत से एक बच्चा, मान लो कोई बच्चा कूदता है, ठीक है, कोई बच्चा छत से कूदता है, नज़दीक है छत, तो वो बच्चा क्या होगा कि तुरंत उठ के जाने लगेगा, ठीक है। लेकिन इमेजिन करो उसी छत से एक बहुत मोटा आदमी कूद गया, गिर गया छत से मोटा आदमी, और वो जो मोटा आदमी है बहुत टाइम तक ग्राउंड के कॉन्टैक्ट में रहेगा, उसको उठने में टाइम लगेगा, तो यहाँ आपको टाइम दिख रहा होगा, ठीक है। लेकिन जो बच्चा है उसके साथ भी ग्राउंड का कॉन्टैक्ट हुआ है, ठीक है। अगर मान लो ये जो बॉल है वो चिपकने वाला बॉल हो, ठीक है, तो अगर मैं इसको यहाँ से आता और इसके साथ चिपक जाता तो इसके साथ हमेशा टाइम ही बिताता, लेकिन इसका और इसके साथ कॉन्टैक्ट हुआ है बहुत कम टाइम के लिए, 0.25 सेकेंड तक, वो दोनों एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में इतने टाइम तक थे, ठीक है। चलो तो अब हमको पता है कि क्या निकालना है, फोर्स, एवरेज फोर्स, तो वॉल जो है वॉल, बॉल पे कितना फोर्स लगाएगा, वॉल जितना बॉल पे लगाएगा बॉल उस पर उतना मैग्नीट्यूड में लगाएगा, ठीक है। तो हम फोर्स निकालना, तो फोर्स कैसे निकालते हैं, ऐसे केस में फोर्स कैसे निकालते हैं, तो जब कभी भी मोमेंटम चेंज होता है, मोमेंटम चेंज हुआ तो फोर्स आएगा यार, ठीक है। चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है फोर्स होता है, अगर नॉन जीरो है चेंज इन मोमेंटम तो फोर्स तो आएगा, तो मोमेंटम बदल गया ना भाई, वेक्टर इधर से आया मोमेंटम, इधर चली गई मोमेंटम, तो मोमेंटम बदल गया, तो मोमेंटम बदल गया होगा तो फोर्स आ गया होगा, और फोर्स होता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, जो फोर्स होता है चेंज इन मोमेंटम डेल्टा डेल्टा पी डिवाइडेड बाय टाइम डेल्टा टी, तो इसका मतलब ये हुआ डेल्टा पी चेंज इन मोमेंटम निकालना है और टाइम 2.5 सेकंड मेंशन है, तो हमें निकाल लेते हैं भाई चेंज इन मोमेंटम। ऐसे केस में आपको मोमेंटम निकालने आता होगा, ये 30 है तो ये 60 है और ये भी 60 है, तो ये जो बोला स्पीड वी है तो इधर मोमेंटम एम वी हो गया और इधर मोमेंटम एम वी हो गया, तो इधर इस मोमेंटम के दो कंपोनेंट हो गए, एक नीचे हो गया जो हो गया एम बी कॉस 60 और एक ऊपर इधर आ गया जो हो गया एम बी साइन 60, क्लियर है। तो ये अब इसका मतलब ये हुआ, ये जो मोमेंटम इधर था, मैं उसको दूसरे कलर से बनाता हूँ, ये जो मोमेंटम इधर था उस मोमेंटम का एक कंपोनेंट ऊपर जाएगा जो होगा एम बी कॉस 60 और एक इधर आ जाएगा जो होगा एम बी साइन 60। अब अगर ध्यान से देखोगे आपको, वैसे जिसको याद है मैं आपको बार बार ये कहता हूँ कि ये बार बार यूज होता है, तो अगर 60 डिग्री है तो चेंज इन मोमेंटम 2 एम बी कॉस थीटा होता है, याद कर लो। जो यहाँ से ऐसे आया एक कंपोनेंट एम बी साइन थीटा ऐसे है कोलिजन से पहले, और एक कंपोनेंट मोमेंटम का नीचे है, जो ऐसे गया उसका एक कंपोनेंट इधर है और एक इधर है, तो एक्स एक्सिस में कोई मोमेंटम चेंज ही नहीं हुआ यार, एक्स एक्सिस में कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद भी मोमेंटम सेम है, मतलब एक्स एक्सिस में फोर्स जीरो है, तो एक्स एक्सिस में कोई फोर्स आएगा ही नहीं, जो भी फोर्स आएगा वो वाई एक्सिस में आएगा। चलो तो वाई चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालते हैं, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम कितना है बोलो, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, कोलिजन से पहले फाइनल मोमेंटम एम बी कॉस 60 ऊपर है, वेक्टर में एक बार लिख देता हूँ एम बी कॉस 60 जे कैप, जिसे आपको थोड़ा समझ में आए, ठीक है। फाइनल मोमेंटम माइनस साइन फार्मूले से, और इनिशियल मोमेंटम माइनस एम बी कॉस 60 जे कैप, ठीक है, कॉस 60 जे कैप, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये प्लस 2 एम बी कॉस
60 z कैप, जो चेंज इन मोमेंटम आया, देख रहे हो चेंज इन मोमेंटम वो पॉजिटिव आया, और वो चेंज इन मोमेंटम y एक्सिस में है और फोर्स भी y एक्सिस में है यहाँ पर, ठीक है। और वो मैग्नीट्यूड में कितना है, अब यहाँ पे ला के रख दो, मैग्नीट्यूड में कितना है फोर्स, तो मैग्नीट्यूड में आ जाएगा यार 2mb cos 60 और डिवाइडेड बाई 0.25, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, ठीक है, देखो कितना आता है। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो ये 24 न्यूटन आया है, कैलकुलेट कर लो एक बार, 2 मास दिया होगा, 0.5 केजी एंगल 30 डिग्री और 0.2 सेकंड ए बॉल मार्क मूविंग विद स्पीड 12 है, तो 0.5 0.5 12, तो ये आ जाएगा पॉइंट, कर लोगे ना इसको यार, 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई कॉस 60 और डिवाइडेड बाई 0.24, इसको कैलकुलेट 0.25 इसको कैलकुलेट कर लेना, 24 न्यूटन आ जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू 24 न्यूटन, कैलकुलेट दिस एक्सप्रेशन, 24 न्यूटन सी ऑप्शन सही है, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा, बहुत बार पूछा गया यार ऐसा क्वेश्चन, चलो एक बार ट्राई करो तुम इसको, देखो ट्राई करो होता है। कहता है एक ब्लॉक है हम लोगों के पास, ठीक है, ब्लॉक है जिसके पास मास m है, स्मूथ वेज पर रखा जिसका इंक्लिनेशन थीटा है, तो एक ब्लॉक है जो स्मूथ वेज पर रखा हुआ है और ये इंक्लिनेशन थीटा है, अगर ये स्मूथ वेज है, स्मूथ बोले तो फ्रिक्शन है ही नहीं, यहाँ पे म्यू जीरो है, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही रखोगे वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। द होल सिस्टम इज एक्सेलेरेटेड हॉरिजॉन्टली सो दैट ब्लॉक डज नॉट स्लिप, अब देखो अब इसको हमें एक्सेलेरेशन देना है, इस तरह से एक्सेलेरेशन देना है कि ब्लॉक स्लिप नहीं करे, ब्लॉक स्लिप नहीं करे, ब्लॉक रेस्ट में रहे, तो इसको मैं एक्सेलेरेशन किधर दूंगा, अब देखो इस पर दो फोर्स लग रहा है, ठीक है, दो फोर्स लग रहा है, कौन कौन सा लग रहा है, एक है नॉर्मल और एक है mg का एक कंपोनेंट mg साइन थीटा, और एक है नॉर्मल को mg कॉस थीटा, क्लियर है, और ये चला गया mg नीचे, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, कॉमन सेंस की बात है कि अगर मैं इस वेज को किधर एक्सेलरेट कराऊं जिससे ये ब्लॉक रेस्ट में रहे, पहली बात तो ये सोचो, अब वर्टिकल में मोशन नहीं होगा, अपने वर्टिकल में मोशन नहीं हो रहा तो नॉर्मल ने mg cos थीटा को बैलेंस किया होगा, अगर कोई mg sin थीटा को बैलेंस करने वाला आएगा तभी तो ब्लॉक रेस्ट में रहेगा, और mg sin थीटा को कोई बैलेंस तभी कर पाएगा जब हॉरिजॉन्टल में एक्सेलेरेशन देना है, तो हॉरिजॉन्टल में इधर एक सूडो फोर्स लगेगा, समझ रहे हो ना, सूडो फोर्स लगेगा, तब उस सूडो का एक कंपोनेंट इधर आएगा जो mg sin थीटा को बैलेंस कर लेगा, तब जाके ब्लॉक रुकेगा, इसका मतलब ये हुआ कि इस ब्लॉक को, इस वेज को इधर की डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन देना है, इधर, ठीक है, अगर ऐसे बनाए हो तो इधर की डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन दोगे तब जाके ये ब्लॉक रुकेगा, ठीक है। अगर एक ब्लॉक रुक गया तो हमें निकालना क्या, फोर्स सो दैट ब्लॉक डज नॉट स्लिप द फोर्स एग्जर्टेड बाय द वेज ऑन द ब्लॉक, ये जो वेज है वो ब्लॉक पे कितना फोर्स लगा रहा, तो वेज ब्लॉक पे कितना फोर्स लगाता, नॉर्मल निकालना यार, नॉर्मल ही तो लगाता है, चलो तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे हम लोग एक बार क्वेश्चन बना लेते हैं, इसको एक्सेलेरेशन हम अगर हम ऐसे बनाए तो इसको एक्सेलेरेशन हम इधर की डायरेक्शन में दे रहे हैं और यहाँ पर हम लोगों का ब्लॉक है, और अब फोर्सेस दिखा दो, हम इसी के फ्रेम से देखेंगे, इसी के फ्रेम से देखते हैं, इसी पे चढ़ के देखते हैं वेज पे, तो वेज पे चढ़ के देखूंगा, तो सबसे पहले एक मैं सूडो इधर लगा दूं एम में, इसके अलावा नॉर्मल इधर लगा दूं, अब mg इधर लगा दूं, दीज आर द फोर्सेस, अगर ये थीटा है तो, ठीक है, ये तीन फोर्स लग रहे हैं। अब देखो जो mg sin थीटा को रिजॉल्व करेगा उसके लिए नॉर्मल निकालना थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, जो mg sin थीटा को रिजॉल्व करेगा उसके लिए नॉर्मल निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, डिफिकल्ट क्या, प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं अपना कोऑर्डिनेट ऐसे ले लेता हूँ, एक्स वाई ऐसे ले लेता हूँ, तो मुझे नॉर्मल को केवल रिजॉल्व करना पड़ेगा, अगर आप एम जी को रिजॉल्व करते हो तो सूडो को भी रिजॉल्व करना पड़ेगा, और फिर वहाँ से एक्सेलेरेशन निकालोगे, फिर नॉर्मल निकालोगे, दैट प्रोसेस इज लेंदी, कर लेना उसको ट्राई करना, ठीक है।
अब मैं आसान तरीके से इसको कर देता हूं, अगर ये थीटा है तो ये थीटा है, एक लाइन में क्वेश्चन हो जाएगा। नॉर्मल का एक कॉम्पोनेंट एन कॉस थीटा ऊपर गया और नॉर्मल का एक कॉम्पोनेंट एन साइन थीटा इधर आ जाएगा। हमें नॉर्मल ही तो चाहिए, तो एन साइन थीटा सूडो को इक्वल होगा, एन साइन थीटा सूडो के इक्वल होगा और एन कॉस थीटा एम जी के इक्वल होगा। तो जो एन कॉस थीटा मस्ट बी इक्वल टू एम जी। इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्मल की वैल्यू एम जी अपॉन कॉस थीटा, एक लाइन में सोल्यूशन हो गया ऐसा, ठीक है। नॉर्मल इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, ठीक है। अगर आप गलती से एम जी साइन थीटा को रिजॉल्व करते हो तो आपका सोल्यूशन हो तो जाएगा पर लेंदी जाएगा, कर दूं, ठीक है। देखो भाई, अगर मैं एम जी को रिजॉल्व करता हूं तो मुझे दो दो रिजोल्यूशन करना पड़ेगा, एक एम जी साइन थीटा इधर आया, ठीक है, नॉर्मल ऊपर गया, एम जी कॉस थीटा इधर आया, क्लियर है। और जो सूडो है, जो सूडो ऐसे लग रहा है, उस ये थीटा होगा क्योंकि ये थीटा है, तो सूडो का एक कंपोनेंट इधर आया एम ए कॉस थीटा और सूडो का एक कंपोनेंट नीचे आया जो होगा एम जी साइन थीटा, ठीक है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर ज़्यादा एक्सलेशन होगा, ठीक है, तो ये ब्लॉक ऊपर भी जा सकता है एम ए कॉस थीटा, क्योंकि एक्सलेशन बढ़ाओगे तो एम ए कॉस थीटा बढ़ेगा, ठीक है। एक देखो, एक्सलेशन कम होगा तो ये ब्लॉक नीचे आ जाएगा, एक खास एक्सलेशन पे वहीं रहेगा, ज़्यादा एक्सलेशन होगा तो ऊपर भी स्लाइड कर सकता है इसके रिस्पेक्ट में। चलो अब यहाँ पे देखो, इक्वेशन लिखो, नॉर्मल मस्ट बी इक्वल टू एम जी साइन थीटा और प्लस एम जी एम ए कॉस थीटा ना, एम ए कॉस थीटा होगा, तो एम ए कॉस थीटा आ जाएगा, ये एम ए कॉस थीटा, एम ए कॉस क्या कर रहा हूँ, एम ए नॉर्मल की वैल्यू एम ए साइन थीटा होगा ना, एम ए साइन थीटा, एम ए साइन थीटा और प्लस एम जी कॉस थीटा। अब देखो, यहाँ से तुम नॉर्मल ऐसे तो निकाल नहीं सकते भाई, ऐसे तो तुम निकाल नहीं पाओगे नॉर्मल, क्योंकि जब तक एक्सलेशन नहीं निकलेगा नॉर्मल नहीं निकलेगा। तो चलो एक्सलेशन निकालते हैं, एक्सलेशन निकालने के लिए रेस्ट में है, तो एम ए कॉस थीटा मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, एम जी साइन थीटा। इसका मतलब ये हुआ एक्सलेशन ए की जो वैल्यू आ जाएगी एम ने एम को एक्स जी टेन थीटा। अब यहाँ से मुझे एक्सलेशन मिल गया, अब जब यहाँ से मिल गया तो इस एक्सलेशन की वैल्यू मैं यहाँ रखूँगा, इस एक्सलेशन की वैल्यू यहाँ रखूँगा तब जाके नॉर्मल दिखेगा। तो इस एक्सलेशन की वैल्यू रखोगे तो एम साइन थीटा और एक्सलेशन जी, और टेन थीटा रखोगे तो साइन थीटा अपन कॉस थीटा और प्लस एम जी कॉस थीटा, ठीक है ना, है ना। प्रोसेस देखो थोड़ा सा लंबा चला गया ना, तो यहाँ से एम जी कॉमन ले लो, ठीक है, और ये बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस इधर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा वन हो गया, एम जी अपॉन कॉस थीटा, दैट इज द नॉर्मल। देखो सोल्यूशन वही रहेगा, बट अगर आप इंटेलिजेंट वे में, ठीक है, अब नॉर्मल को कॉम्पोनेंट करते हो तो ये एक लाइन में हो जाएगा, दैट इज द फोर्स एग्जर्टेड बाई द वेज ऑन ब्लॉक, ठीक है। चलो नेक्स्ट ये ट्राई करो, देखो ये क्या कहता है कि एक कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू है, एक टेबल पे एक ब्लॉक और वेज ब्लॉक रखा हुआ है टेबल पे, वहाँ पर कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू है और ब्लॉक 2 kg का है, ब्लॉक 2 kg का है और 0.5% म्यू है एंड द टेबल एंड फिगर 0.2, ये इस फिगर में दिखाया गया है। व्हाट विल द मैक्सिमम मास बी शुड द टू ब्लॉक डू नॉट मूव, इसका मैक्सिमम मास कितना हो जिससे ये ब्लॉक मूव नहीं करे, स्ट्रिंग एंड पुली सब कुछ मासलेस है, समझना इस क्वेश्चन को, है ना। ये क्वेश्चन आसान है, थियरी में समझाया जाता है, थ्योरेटिकल में आता है। अगर यहाँ से एक पुली है और ये मास है, अब यहाँ पे एक मैंने एक मास रखा, ये मास रखा, ठीक है, दिस मास इज अटैच विद दिस
ठीक है। अब यहाँ, अब अगर इमेजिन करो कि ये सरफेस स्मूथ है, ये सरफेस स्मूथ है, तो यहाँ से जो टेंशन है, टेंशन लगेगा, टेंशन तो लगेगा ही, अगर इसके पास छोटा सा भी छोटा मास हो ये खिंचा हुआ चला जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ पे हाथी रखो चाहे चींटी भी रख दो, तभी भी ये छोटा सा भी एक केजी मास, आधा केजी मास भी खींच लेगा। मतलब एक चींटी जो है, एंट है, वो यहाँ हाथी को खींच लेगी। अगर ये एंट है और अगर ये एलिफेंट है, तो एक एलिफेंट हाथी को खींच लेगी भाई। द मैकेनिक्स, हाथी को यहाँ रख दूँ, एंट को यहाँ रख दूँ, ठीक है ना, है ना भाई। अगर थ्योरेटिकल लाइफ में पूछोगे कि क्या कोई चींटी हाथी को खींच सकती है, तो साइंटिस्ट फिजिक्स वाला बोलेगा हाँ खींच सकती है, क्यों नहीं, यहाँ पे ला के रख दो। ठीक है, ये सरफेस स्मूथ कर दो और यहाँ एंट रख दो, ठीक है, और यहाँ एक हाथी रख दो, ठीक है, और वो हाथी एक्सीलरेट हो जाएगी, उसको चींटी भी खींच सकती है। बट यहाँ दिक्कत ये है, ठीक है, कि ये सरफेस स्मूथ है ही नहीं, यहाँ पर फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन इसको इधर रोकेगा। अब जब फ्रिक्शन रोकेगा तो इस मास के पे एक लिमिट आ गई यार। ठीक है भाई, मास अगर कम होगा तो ये ब्लॉक फ्रिक्शन टेंशन को बैलेंस कर लेगा। जैसे जैसे मैं मास बढ़ाऊंगा तो टेंशन की वैल्यू बढ़ेगी, एक ऐसा समय आ जाएगा कि टेंशन फ्रिक्शन से अधिक हो जाएगा और ये ब्लॉक इधर एक्सेलरेट हो जाएगा। अब लिमिट आ गया फ्रिक्शन के आने से, तो हमें वही मैक्सिमम मास निकालना है। ठीक है, वही हमें मास निकालना है, ठीक है, जिससे वो मतलब एक्सेलरेट हो जाए। क्लियर है, चलो अब आप इक्वेशन बनाओ और इसको सॉल्व करो। इस पे लगा एम जी, मान लेते हैं इक्विलिब्रियम है और टेंशन टी लगा, तो फर्स्ट इक्वेशन टेंशन टी एम जी के इक्वल हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, चलो अब कहता है कोफिशियंट ऑफ इक्विलिब्रियम बिटवीन द ब्लॉक ए मास 2 kg, इसका मास दिया हुआ है 2 kg, इसके लिए इक्वेशन लिखो। तो अगर इसके लिए इक्वेशन लिखोगे तो इक्विलिब्रियम में, हाँ, हमें इक्विलिब्रियम मान के चलना है, मैक्सिमम मास निकालना है, तो हमें इस मास की ज़रूरत ही नहीं है, हमें इक्विलिब्रियम देखना है। तो टेंशन जब तक मूव नहीं करेगा जब तक टेंशन फ्रिक्शन के बराबर होगा, जब अब तक टेंशन फ्रिक्शन के बराबर होगा तब तक मोशन नहीं होगा। और यहाँ टेंशन की वैल्यू एम जी के बराबर है और फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू एन, और म्यू एन इज इक्वल टू एम जी, ठीक है, एम जी। और यहाँ पर इसके लिए जो मास है वो 220 म्यू के इक्वल हो जाएगा, 20 म्यू के इक्वल हो जाएगा, और एम जी, तो ये एम जी इज इक्वल टू 2 μg, तो g ने g को ख़त्म कर दिया, तो इस मास की वैल्यू 2 times μ आ गई, तो 2 और 0.2 मतलब 0.4 kg तो होना ही चाहिए, म्यू टाइम्स 0.4 kg। ठीक है, आया समझ में, तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। चलो, ए मैन जो है 80 kg का है, एक आदमी जो है 80 kg का है, वो एक प्लेटफॉर्म पे स्टैंडिंग है इन ए लिफ्ट विच इज मूविंग अपवर्ड। ठीक है, वो लिफ्ट ऊपर जा रही है विथ यूनिफॉर्म एक्सलेशन 5 m/s² से, 5 m/s² से लिफ्ट, व्हाट कुड बी द रीडिंग ऑफ द स्केल। अब देखो, रीडिंग ऑफ द स्केल न्यूटन, ये देखो एक लिफ्ट है और ये लिफ्ट ऐसे तो ऊपर जाती नहीं यार, यहाँ केबल लगा रहता है और इसमें एक वेइंग मशीन है, वेटिंग मशीन है, और उस पर एक आदमी खड़ा है। चलो रोबोट बना देते हैं, दिस इज द फ्यूचर रोबोस्टिक का, ठीक है, फ्यूचर में रोबोट। तो ये आदमी इस पर खड़ा है, क्लियर, और इसका 80 kg वेट है, ठीक है, हैवी इंसान है। स्टैंड ऑन ए वेइंग मशीन लिफ्ट मूविंग अपवर्ड विथ एक्सलेशन ए, ये पूरा लिफ्ट ए एक्सलेशन से ऊपर जा रहा है। अब 5 m/s, इसका एक्सलेशन 5 m/s² ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन है। व्हाट कुड बी द रीडिंग ऑफ स्केल, ठीक है, ये क्या रीड करेगा, स्केल क्या रीड करेगा। अब ये जो मशीन है वो क्या रीड करेगी, वेइंग मशीन क्या रीड करेगी, नॉर्मल रीड करेगी यार। ठीक है, नॉर्मल, अगर हमारा नॉर्मल जीरो होता है तो वेट जीरो होता है, तो वेटिंग मशीन ये क्या है, नॉर्मल रीड करेगी। तो इस आदमी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। ठीक है, चलो मैं ग्राउंड से देखता हूँ इसको, ग्राउंड से सॉल्व कर, आप लिफ्ट के फ्रेम से सॉल्व कर सकते हो, सूडो भी लगा सकते हो। तो इस आदमी पे सबसे पहले नॉर्मल लगाएगा ऊपर, जो कि ये मशीन लगा देगी, और साथ साथ इसका वेट mg, ठीक है, mg 800 8g, जो कि अर्थ लगा देगी 800 न्यूटन,
यही दो फोर्स लग रहे हैं रियल में। तो अगर मैं लिफ्ट के बाहर से इनर्शियल फ्रेम से कर रहा हूँ तो ये इस आदमी को दिखाई देगा ये ऊपर जाता हुआ ए एक्सलेशन से, तो ये बोलेगा कि नॉर्मल ग्रेटर है 800 न्यूटन से, तभी तो ऊपर इसको एक्सलेट होता हुआ नजर आएगा। तो ये लिखेगा ये मिस्टर जो बाहर है इनर्शियल फ्रेम में, वो इक्वेशन लिखेगा एन माइनस 800 न्यूटन इज इक्वल टू मास 80 और एक्सलेशन ए, ठीक है इसका एक्सलेशन। तो इसका एक्सलेशन ए कितना है, तो नॉर्मल माइनस 800 इज इक्वल टू 8, एक्सलेशन इसका है 5, तो ये आ जाएगा 400 न्यूटन। तो नॉर्मल की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1200 न्यूटन, तो इतनी जो है वो रीडिंग आएगी। क्लियर है आपको? नॉन इनर्शियल सूडो से भी कर सकते हो यार, सूडो कर दोगे तो यहाँ से देखो लिफ्ट से ही देखो, ये जो एम ए लग रहा है वो ऊपर आ ये नीचे आ जाएगा, ठीक है।